एक हदीस है, जब जब मेरे सामने से गुजरती है मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। लौ कानत दुनिया, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊसा मा सका मिन्हा काफिरन शुरबत मा। इस हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह पाक के नजदीक अगर इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर घूंट पानी के लिए तरसते। अल्लाह अकबर, ये उस दुनिया की बात हो रही है जिस दुनिया के पीछे आज मेरा नौजवान मुसलमान निकल पड़ा है। दुनिया के पीछे लगकर आज मेरे नौजवान मुसलमान के दिल से हलाल और हराम के दरमियान तमीज करना भी निकल चुका है। बस पैसे आने चाहिए, चाहे हलाल हो या हराम, तो मेरे नौजवान खुदा का वास्ता है ये दुनिया यही रह जाएगी। दो दिन की जिंदगी है, पल की खबर नहीं, माँ है सौ बरस का ये आरज़ू है लंबी। अचानक मौत की रस्सियाँ, मौत की जंजीरें आपको आ घेरेंगी, फिर घर से तेरा जनाजा निकलेगा। ये सब मालो दौलत के जिसके पीछे लगकर तूने अपने हकीकी मालिक को ही भुला दिया था, आज तूने उसके पास आना है। तुझसे सवाल होके मन रब का, बता तेरा रब कौन है। माँ दीन का, बता तेरा दीन क्या है। मन नबीयो का, बता तेरा नबी कौन है, तेरा नबी कौन है। तू जवानी कहाँ गुजार के आया है, फिर ये शबाब की मस्ती एक सवाल से उतर जाएगी। तो खुदा का वास्ता, उससे पहले ही अपने मालिक के हकीकी तरफ रुजू करें। अल्लाह पाक हमें अपनी जिंदगी की कीमती लम्हात को दीन इस्लाम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए।